हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी। सो फ्रेंड्स, आज हम प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज की थर्ड वीडियो यानी कि प्रेगनेंसी के फोर्थ वीक में आपके बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं, आपको उसमें क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या टिप्स रहेंगी, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को एंड तक फॉलो जरूर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी के फोर्थ वीक में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी का जब फोर्थ वीक एंड होने लगता है तब आपको थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि आपको वीकनेस होने लगेगी, आपको थकान लगने लगेगी, आपको जो लोअर एब्डोमन है यानी कि पेट का नीचे वाला हिस्सा है उसमें थोड़ा दर्द आने लगेगा, जैसे कि महावारी के टाइम पे दर्द आता है वैसा सा दर्द होने लगेगा। हो सकता है आपको एक दो धब्बे भी लग जाएं, ऐसा भी नॉर्मल है, या फिर ब्रेस्ट में पेन हो सकता है। कुछ वुमेन में तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिसको कि फोर्थ वीक में कोई भी सिम्टम नहीं होता है और उनको सबसे पहला सिम्टम मिस्ड पीरियड यानी कि महीना ना आना ही होता है। जब आपको महीना नहीं आता है उसके 3-4 दिन बाद आप चेक करते हैं किट से, जिसमें कि दो पिंक लाइन आती हैं जो बताती हैं कि आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि यस, आप प्रेग्नेंट हैं। उसके बाद आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे रखना है, उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि फोर्थ वीक में आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि इम्प्लांटेशन जो है वो लगभग 6th से 7th डे फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चेदानी की एंडोमेट्रियम में हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में। ब्लास्टोसिस्ट फिर फर्दर डिवाइड होना शुरू करता है, उसकी जो बाहर की लेयर होती है उससे प्लेसेंटा बन जाता है, जिससे कि एक HCG नाम का हार्मोन रिलीज होता है जो कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। इसके लेवल लगभग 10 डेज में ब्लड में आ जाते हैं और लगभग ये 14-15 डेज के आसपास यूरिन में आने लगता है, जो कि आप अपनी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब करते हैं उससे पॉजिटिव आता है। ठीक है, जो इनर सेल मास होता है वो फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है वो बाहर वाली लेयर होती है, जिससे कि बेबी के हेयर, नेल्स, ब्रेन, स्किन ये सब डेवलप हो जाता है। जो मीजोडर्म होती है वो बीच वाली लेयर होती है, जिससे कि बेबी का हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फैटिक्स वगैरह जो होती हैं वो बन जाती हैं और बेबी की जो मसल्स होती हैं वो डेवलप हो जाएंगी, बेबी की किडनीज डेवलप हो जाएंगी, ब्लैडर डेवलप हो जाएगा, ये सब मीजोडर्म से डेवलप हो जाता है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है एंडोडर्म, उससे बेबी का लिवर डेवलप हो जाता है, जो आते होती हैं यानी जो इंटेस्टाइन होती है उसकी अंदर वाली लेयर डेवलप हो जाती है, बेबी की जितनी भी यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग होती है वो उससे डेवलप हो जाती है, पैराथायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड ये सब बेबी की एंडोडर्म से डेवलप हो जाता है। तो ये सारी 3 लेयर्स थी जिससे कि बेबी के सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे करके बनने लगते हैं, तो ये सब फोर्थ वीक में ही शुरू हो जाता है। तो अब आप बात करते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं अपनी प्रेगनेंसी को सेफ रखने के लिए फोर्थ वीक में। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, अपने प्रीनेटल विटामिंस को कंटिन्यू करना है, कैफीन नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, आपको खुद भी स्मोकिंग नहीं करनी है और अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो उसके पास भी नहीं जाना है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग भी बेबी के लिए इंजीरियस होती है, इसलिए वो भी नहीं करना है। अल्कोहल नहीं लेना है। आपका जैसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आए वैसे ही आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट लेनी है, उनसे मिलना है और वो जो भी आपको मेडिसिन सजेस्ट करें वो आपको जरूर लेनी है, क्योंकि आपके गायनेकोलॉजिस्ट जो होगा वो आपका रिस्क असेस करेगा। मान लीजिए आपका कोई पहले प्रेगनेंसी लॉस हुआ है तो हो सकता है आपको प्रोजेस्ट्रॉन स्टार्ट करें या फिर एस्पिरिन स्टार्ट करें, तो वो सब मेडिसिन आपकी सेफ होती हैं तो आपको वो सब लेनी है। साथ ही साथ में अगर आप कोई डायबिटीज की मेडिसिन लेते हो, कोई बीपी की मेडिसिन
मेडिसिन लेते हो, कोई थायराइड की मेडिसिन लेते हो, तो वो सब आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है, जिससे कि आपके लिए जो भी सेफ दवाई हो वो आपको स्टार्ट कर सके। तो इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है, आपको खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, क्योंकि हो सकता है आप खुद से जो मेडिसिन ले रहे हो वो बेबी के लिए हार्मफुल हो। तो आपको खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेनी है, जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करे आपको वो ही लेनी है। तो अब बात करते हैं जो वुड बी डैडीज हैं उनके लिए क्या टिप्स रहेंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू, लेकिन आपको अपने इस एक्साइटमेंट को मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अभी आप दोनों अपने तक ही रखें, क्योंकि कई बार क्या होती है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल बच्चेदानी में ना होके ट्यूब्स में रुक जाती है, जिसको कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। कई बार क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ गया लेकिन बच्चा नहीं दिख रहा है, जिसको कि बायोकेमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं, या फिर कई बार क्या होता है बेबी ग्रो ही नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए कई बार कुछ केसेस में मिसहैप हो सकता है। तो आप लगभग 7 वीक्स तक इस गुड न्यूज़ को अपने तक रखें, उसके बाद ही ये गुड न्यूज़ सबके साथ शेयर करें। साथ ही साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हेल्दी मदर लीड्स टू हेल्दी बेबी एंड हैप्पी मदर लीड्स टू हैप्पी बेबी। सो आप अपनी वाइफ को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खुश रखें, जिससे कि आपका बेबी भी खुश रहे और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।